गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 15th of February 2023। कल यूएस सीपीआई डेटा था जहां पे हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.4% आया है। डॉलर इंडेक्स के कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस देखा गया है जहां पे प्राइस ऑन बोथ एंड्स रिजेक्शन हुआ है। लोअर एंड पे 102.58 एंड हायर एंड पे 103.52। दोनों साइड पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है एंड अभी है 103.20। सो ये जो डोजी कैंडल है एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है। सो अभी भी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज एट 103.8090 उसके ऊपर क्लोज दे नहीं पाया है, ना इधर नीचे की तरफ क्लियर कट कोई डायरेक्शन दिया हुआ। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी क्लैरिटी नहीं है, हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर भी कल ड्यूरिंग द यूएस मार्केट ट्रेडेड हाई ऑफ 83.00, अभी है 82.81। दैट बीइंग द केस हमें जो इमीडिएट हर्डल्स है दैट इज एट 83.10 या 82.90 से टू प्रेसाइज 82.90 से 83.10 इस बीच में क्या ये रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या ये इनविजिबल हैंड्स यहाँ पे आके सेल ऑफ करेंगे नहीं करेंगे, ये हमें केयरफुली देखना है। ऑल्सो डेली RSI टू सपोर्ट एट 60 एंड ट्राइंग टू मूव हायर। सो वंस ये जो 83.90, 83.10 है इसके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, एक शार्प मूव टुवर्ड्स 83.50 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई अभी है हमारा 83.30 लेवल्स। सो हमें थोड़ा सा यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स का सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। GBP डॉलर 1.2170, कल आफ्टर द USCPI डेटा ये एक अपमूव मारा था 1.2270, लेकिन हायर एंड पे सस्टेन कर नहीं पाया है। दे RSI टर्म्स में इट टुक सपोर्ट एट 40, दैट बीइंग द केस ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, जहां पे आपका दोबारा 1.24, 1.2450 की तरफ एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। GBP INR 100.78, प्राइस आपका सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज दिया है, बोलिंजर बैंड, सेंटर बैंड आपका बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज दिया है। सो दैट बीइंग द केस जो बोलिंजर बैंड वाला रेजिस्टेंस था वो फेड आउट हो चुका है, बट RSI टर्म्स में इट इज़ अप्रोचिंग 60, दैट बीइंग द केस इमीडिएटली RSI टर्म्स में एक रेजिस्टेंस आ सकता है। एंड ऑल्सो प्राइस वाइज 101.60, 101.80 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यूरो डॉलर में भी कल एक अपमूव देखा गया था 1.0805, लेकिन हायर एंड पे सस्टेन कर नहीं पाया एंड क्लोज एट 1.0736, अभी आपका लेवल वहीं पे है 1.0738। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, जब तक हायर एंड पे आपका 1.08, 1.020 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है या नीचे की तरफ 1.0650 के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो INR 88.97, कल एक अच्छा खासा अपमूव देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 88.55 एंड 89.28। दैट बीइंग द केस प्राइस जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरफ है। ऑल्सो RSI टर्म्स में RSI 60 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। दैट बीइंग द केस थोड़ा सा प्राइस इन बिटवीन 89.7090 ऑन द हायर साइड एंड 87.8090 ऑन द लोअर साइड एक रेंज हो सकता है, जब तक आइदर साइड ब्रेक नहीं करता है पॉसिबली ऑन द डाउन साइड तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेट इस रेंज में कर सकता है। येन कल एक अच्छा खासा डॉलर येन ऊपर की तरफ मूव किया है एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 133.31, अभी है 132.62। इमीडिएटली RSI टर्म्स में ये एक 60 पे रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। सो इसको अगर बाई डिप्स में हम लोअर टाइम फ्रेम में बाई डिप्स एक्सपेक्ट ट्राई कर सकते हैं। JPY INR आपका है 62.44, कल एक नीचे की तरफ क्लोज दिया है आपका 62.25 में। सो इसको थोड़ा सा आप सेल ऑप्टिक्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस करेंसी पेयर, बट वीकली जो है वो आपका 60 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर शार्प सेल ऑफ करना है तो RSI वीकली जो है वो 60 के नीचे आ जाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। डॉलर कैंडी कल एक अच्छा खासा डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड ई ट्रेडेड इन बिटवीन 1.3273 एंड 1.3390। दैट बीइंग द केस कंसोलिडेशन इन बिटवीन 135.20 ऑन द हायर साइड 132.50, 132.80 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, जब तक आइदर साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक इसके अंदर में ही प्राइस रहने का एक्सपेक्टेशन से। ऑसी डॉलर अभी है 0.6975, ये सेंटर बैंड में
रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। कल एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है एंड बोथ साइड पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। इसको अगर ऊपर जाना है तो कल के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, और नीचे आना है तो आपको 6850 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। तब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन बरकरार रहेगा। डॉलर सीएनएच 6.82 ये कंटिन्यूसली हायर है, हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो आपका है 6.8550 के वहाँ पे, एंड ऑल्सो RSI टर्म्स में 60 पे एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। यूके ऑयल 85.30 है, ये आपका स्विंग हाई को तोड़ने में अभी भी नाकामयाब है। सो दैट बीइंग द केस, प्राइस जब तक क्लियर कट हायर है, हायर लो फॉर्मेशन नहीं बनाता है, तो अपसाइड में हम एक शार्प मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रेदर इट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 89 ऑन द हायर साइड एंड 79 ऑन द लोअर साइड, इसके बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं बिफोर टेकिंग ए क्लियर कट डायरेक्शन। US 10-year ट्रेजरी कल एक अच्छा खासा अप मूव देखा गया है टू 3.79, लेकिन प्राइस रिजेक्शन हुआ है अपर लेवल पे, एंड ऑल्सो प्राइस RSI टर्म्स में हम अगर देखेंगे इट इज एग्जैक्टली एट 60। सो डेली RSI is expected to face resistance of 60. Weekly RSI is also approaching 60. That being the case, यहाँ पर भी एक resistance हो सकता है. So upward में RSI terms में daily 60, weekly 60 is expected to provide some sort of resistance. Also, price के हिसाब से आपका 3.90 is expected to provide as a resistance level. So currency daily analysis अभी के लिए इतना है. आशा करता हूँ ये presentation आपको अच्छा लगा होगा. If so, like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए among you, like many people. Thank you and have a great day.